दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे डायगोनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं डायगोनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक। ये जो एक्टिविटी है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और ये एक्टिविटी से बच्चों का मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कल्टीवेट होगा। तो ऐसी ट्रिक से अगर बच्चों को हम सिखाते हैं तो उनको बहुत ही मजा आएगा, वो मैथ्स को एंजॉय करेंगे। तो ध्यान से देखिए आज का वीडियो को और समझने का ट्राई कीजिए कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन जो है एक एक्टिविटी के थ्रू किया जाता है। तो मैं सीधा ही टॉपिक पे आते हुए पहला एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ कि कैसे डायगोनल मेथड का यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो मैं पहला जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो है 39 × 21। अगर मुझे ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें कितने कितने डिजिट है। इसमें दो डिजिट है और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी दो डिजिट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले एक स्क्वायर बनाना है बराबर, और उसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा समझाने में टाइम जाएगा, अदरवाइज बहुत ही फटाफट ये ट्रिक से आप कर सकते हैं बराबर। तो आपको क्या करना है, पहले एक स्क्वायर बनाना है, उसमें जितने डिजिट पहले वाले नंबर में है, यहां पे पहला दूसरा वैसे तो कुछ होता नहीं, बट यहां पे मानो कि दो डिजिट है तो आपको यहां पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली, और जितने यहां पे दूसरे नंबर है वो उतनी ही लाइन बनानी है आपको वर्टिकल। तो यहां पे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 2/2 हो गया ना, ये 2 और ये 2, तो 2/2 का एक आपको स्क्वायर बनाना है बराबर। अभी आपको क्या करना है, ये जो नंबर से वो सिंपली यहां पे साइड पे लिख देने। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन का यूज करके लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए और कुछ मिक्सअप ना हो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 और यहां पे लिख रहा हूं 9 और यहां पे लिख रहा हूं 2 और यहां पे लिख रहा हूं 1 बराबर। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो हमने ये चार स्क्वायर बने बराबर हमारे पास, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस चारों स्क्वायर में हम डायगोनल बनाएंगे। तो यहां पे एक डायगोनल ऐसे बनाऊंगा, ये दूसरा बराबर, यह तीसरा और ये चौथे वाले में ये ऐसे करके डायगोनल बनाना है हर एक में बराबर। अभी मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए क्या करूंगा, ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो ये ऐसे मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, डिफरेंट पेन का यूज़ करके कर रहा हूँ ताकि जब एक्चुअल चीज़ आएगी तब आपको समझने में मज़ा आएगा बराबर। अभी क्या करना है, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके जाना है। तो 3 × 2 कितना होता है, 6। तो ये जो स्क्वायर है वो ये और ये नंबर के रिप्रेजेंट करता है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 6 लिखूंगा मैं यहाँ पे। दो डिजिट में ये आंसर लिखने हैं हर जगह पे बराबर। तो 3 × 2 = 6, तो 0 6, फिर 3 × 1 = 0 3 बराबर। अभी 9 के बारे, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 0 9। अभी सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखते जाइए। हमें क्या करना है, ये जो ये लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन बराबर, ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने डिफरेंट पेन का यूज़ करके क्यों किया बराबर। ये 3 लाइन बन गए। अगर आप ये डायगोनल ऐसे बनाते, मतलब लेफ्ट से चालू करके राइट की तरफ बनाते, तो आंसर गलत आएगा। तो हमेशा याद रखिए आपको जो है राइट से लेके लेफ्ट तक बनाना है डायगोनल लिखने के टाइम बराबर। तो यहाँ पे अभी हम आंसर फटाफट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डायगोनल में कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 9 बराबर, फिर 8 + 3, ये सबका समेशन करना है, 8 + 0 = 8 + 3 कितना होता है, 11। तो आपको यहाँ पे एक ही आंकड़ा रखना है, बाकी का नंबर जो है नेक्स्ट वाले में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 6 + 1 + 0 कितना होता है,
सेवन, सेवन प्लस वन एट, तो यहां पे आ गया आपका एट, बराबर। और ये तो जीरो ही है, तो आपका आंसर कैसे बना, देखो अभी यहां से स्टार्ट करना है आपको, 819 इज योर आंसर। तो यहां पे आपका जो आंसर आ गया वो क्या है, 819। तो 39 इंटू 21 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 819। देखा कितना इजीली आप जो है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर पाए। तो बच्चे जो है उनको ऐसी एक्टिविटी से अगर हम सिखाते हैं तो उनको बहुत ही मजा आएगा। तो अभी देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे सेम तरीके से जाते हैं, बराबर। तो जो दूसरा एग्जांपल है मैं इधर लिख लेता हूं। मानो कि मैं कर रहा हूं आपका एग्जांपल है 88 इंटू 55, और याद रखिए यहां पे कोई भी नंबर हो आप इजीली उसका जो है मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि दो डिजिट्स वाले नंबर ही कर पाएंगे, थ्री वाले भी हम एग्जांपल लेके देखेंगे, फोर वाले भी लेके देखेंगे, तो आप जो है बहुत इजीली। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि 2/2 ही होना चाहिए, 3/2 भी हो सकता है, 4/2 भी हो सकता है, तो कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, तो उसका कोई फिकर नहीं है। अभी 88 इंटू 55 करते हैं, तो यहां पे जैसे मैंने बोला पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, बराबर। यहां पे दो डिजिट, यहां पे भी दो डिजिट, तो मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अभी हम लोग नंबर लिख लेते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा 88 और यहां पे लिख लूंगा 55। फिर क्या करेंगे हम, राइट साइड से इसको डिवाइड करने का, डायगोनल बनाने का स्टार्ट करेंगे, बराबर। मैं यहाँ पे रेड पेन से ही बना लेता हूँ ताकि बाद में करने की ज़रूरत ना पड़े। बराबर, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन लिखते जाएंगे। 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, बराबर। सिंपली लिख दिया, अभी यहाँ पे आंसर लिखना चालू करते हैं हम लोग। ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका समेशन तो कोई है नहीं, तो जीरो का जीरो रहेगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 आ जाएगा, बराबर। और फिर आ जाएगा 4। तो 88 को आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4840। तो अभी हम जाएंगे तीसरे एग्जांपल पे। जो अभी तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में हम लेते हैं 221 into 325। ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके करते हैं ताकि थोड़ा मजा आएगा। अभी यहां पे आपको 3/3 बनाना पड़ेगा, बराबर। तो आपको पहले तो मैं जैसे बताया एक स्क्वायर बना लेना है, बराबर। फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे तीन डिजिट है तो तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक, ये मिडल का और लास्ट का, तो ये तीन पार्ट हो गए। और यहाँ पे भी तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बराबर। अभी क्या करना है, नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 2 1 3 2 5, बराबर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको डायगोनल बनाएंगे, इनके सब में डायगोनल बनेगा। तो ये एक बन गया, फिर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे एक और बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लेंगे और ऐसे, बराबर।
अभी हमें सिंपली क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई। 2 3 0 6, 2 2 0 4, 2 5 10, 2 3 0 6 0 4 and 10, बराबर। अभी 1 से 0 3, समझ में आ रहा है, मैं फटाफट कर रहा हूं थोड़ा। 1 3 3, तो 0 3 लिख दिया। 1 2 0 2, बराबर। 1 5 0 5, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ताकि अच्छे से आपको जो है समझ में आए। अभी मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये 5 तो अकेला ही है, फिर यहाँ पे दो सबका समेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 + 4 + 1 कितना होता है, 3 + 4 7 + 1 8, बराबर। यहाँ पे 6 + 4 10 + 1 11, और प्लस 1 इधर कैरी होगा, और 6 + 1 कितना होता है, 7 और 0। तो आंसर क्या आ गया आपका, अगर मैं लिखूँ पूरा आंसर यहाँ पे, तो 7 1 7 1 8 2 5। तो देखा आपने कितने इजीली आप इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, और कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो भी शायद इतने स्पीड से नहीं होता, और ऊपर से बच्चे ये जो एक्टिविटी में है एंजॉय करेंगे, तो ये ट्रिक से करना बहुत ही यूज़फुल है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 by 2 और 3 by 2 कर लिया, अभी मैं 3 by 2 का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये हमारा रहेगा 4th एग्जाम्पल, जिसमें हम करेंगे 428 को जो है 27 से मल्टीप्लाई। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं है अभी, बराबर। अभी इसको मैं कितने 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने डिजिट है, 2। तो मुझे यहाँ पे सिंपली एक ही बनाना पड़ेगा। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका। यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, तो अभी नंबर लिखता हूँ मैं 428, और यहाँ पे कितना आएगा, 27। अभी इसको डिवाइड करना चालू कीजिए डायगोनली, बराबर। ये कर दिया। अभी सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखते जाएंगे। 4 2 8, 4 7 28, बराबर। अभी 2 2 0 4, 2 7 14, अभी 8 2 16। देखिए यहाँ पे जो दोनों मेल आ रहे हैं वो लिखते जाना है, ये स्क्वायर को आप ये जो इसको याद रखना है, बराबर। फिर 8 7 56, लिख दिया आपने, ओके। अभी क्या लिखना है, सीधा आंसर लिखना चालू करना है। तो यहाँ पे 6 का तो किसी के साथ समीशन नहीं है, यहाँ पे 6 + 4 10 + 5 15, और +1 क्या होगा, कैरी होगा आपका 5 लिख दिया, 1 + 1 कैरी होगा। फिर 1 + 4 5 + 1 6 + 8 14, +1 कितना होगा आपका, 15। तो 5 रखिए और +1 कैरी होगा। 8 + 2 कितना होगा, 10, +1 11, तो 1 रखिए और +1 कैरी करिए, 1 + 0 1। तो आंसर क्या आया, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, 1 1 5
6, तो आपका आंसर क्या आ गया 11,556, ये आपका आंसर आ गया। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल और लेते हैं। अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है 1094 इंटू 724, बराबर। अभी मैं यहां पे कितने का 4/3 का बनाना है, थोड़ा बड़ा बनेगा ये, वन टू थ्री और फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया ये पहले वाले को, फिर थ्री है तो वन टू और थ्री हो गए आपका। नंबर लिख दीजिए 1094, 1094 बराबर, और यहाँ पे 724, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। हर एक एग्जांपल को ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाए। अभी डायगोनल से डिवाइड करो, ये डायगोनल बना लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा, बराबर। अभी सीधा सीधा फटाफट आंसर लिखना चालू कर रहा हूँ मैं, 1 7 7 तो यहाँ पे 0 7 0 2 और 0 4, यहाँ पे जीरो वाली लाइन है, देखो ऐसी लाइन भी आएगी बीच में जीरो वाली, यहाँ पे जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही आता है, तो ये पूरी जो वर्टिकल लाइन है उसमें जीरो जीरो ही लिख देने, तो कोई फटाफट कर सकते एकदम इजीली हम लोग। अभी 9 7 63, 9 2 18 बराबर, 9 4 36, 4 7 28, 4 2 8, 4 4 16, तो अभी लिखते हैं आंसर। यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 पहले लिख दीजिए, 8 + 6 = 14 + 1 = 15, 15 का 5 रखिए प्लस 1 कैरी कीजिए, तो यहाँ पे प्लस 1 कैरी हुआ है, 8 + 1 = 9, 9 + 8 = 17 + 3 = 20, तो 20 का 0 रखिए और प्लस 2 को कैरी कीजिए, 2 4 7 8 + 4 12, तो 2 रखिए और प्लस 1 कैरी कीजिए, 1 6 7 2 9 बराबर, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे तो 0 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर क्या है 7 9 2 0 5 6, बराबर। तो देखिए ये मेथड का यूज़ करके बच्चों को कितना अच्छे से ये बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग सिखा सकते हैं, ये यहाँ पे प्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये मेथड जो है समझ में आया है, आई होप समझ में आ ही गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और बच्चों को ये ट्रिक सिखाना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, आपके लाइक से जो है ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, तो आप ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।